जनशक्ति पार्टी ने अपना स्लोगन बदल दिया है और अब पार्टी की टैगलाइन है, यही है वो चिराग जो हर घर को रोशन करेगा। जी हाँ, बात हो रही है चिराग पासवान की, जो अब पूरी तरह से हम कहेंगे कि एलजेपी की कमान को अपने हाथ में लिए हुए हैं। इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान काफी डिमांड में है चिराग पासवान और आज की चुनावी यात्रा पर हमारे साथ वही रहेंगे। मुख्यमंत्री जी खामोशी से यहाँ पर देखते रहे और अपने लाठी चलाने का चलन खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे ही प्रदेश में शुरू कर दिया। बॉलीवुड से अपने करियर की शुरुआत करके राजनीति में आए चिराग पासवान ने बहुत कम समय में ही अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब वो राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह राजनीति का खेल खेलते हैं। चुनावी मंच पर, चुनावी सभाओं में उनका एक अपना अलग स्टाइल देखने को मिलता है। बाकी नेताओं की तरह वो माइक से बोलते जरूर है लेकिन कॉर्डलेस माइक का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं और इस वक्त वो जिस मंच पर पहुंचे हुए हैं वहां पर परिवारवाद के जो तमाम आरोप अब तक एलजेपी पर लगते रहे थे, अपने भाई और अपने चाचा के लिए ही प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जाहिर है कि ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे चिराग पासवान को न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि आने वाले दिनों में भी जूझना होगा, क्योंकि अब पूरी तरह से पार्टी की रणनीति बनाने का काम हो या फिर कि किस दिशा में पार्टी को आगे लेकर जाना है, ये तमाम काम अब चिराग पासवान ही करते हैं। हाँ, सबसे छोटा हूँ, अपना भाई समझे, भतीजा समझे, बेटा समझे, शादी समझे, पर अपना समझकर आप लोग मुझे अपना प्यार दें। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जगहों पर चुनावी सभाएं करना और फिर शाम से उन सभाओं के बारे में समीक्षा करना और रणनीति बनाना कि और कैसे बेहतर प्रदर्शन की तरफ एलजेपी और खासकर एनडीए बढ़े, यही काम आजकल चिराग पासवान का है। हमारे साथ खुद चिराग पासवान मौजूद है। चिराग, हमने देखा कि एक अलग स्टाइल आप अपनाते हैं हर रैली में, कुछ लगता है कि इसका फायदा मिलता है युवाओं से जुड़ने में, जो युवा देखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा भाषण भी बहुत इंट्रैक्टिव होता है, पूरे मंच का उपयोग करता हूँ, घूम घूम के चारों तरफ लोग होते हैं, लोग देखना चाहते हैं, आपको बोलते हुए सुनना चाहते हैं, तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक डायरेक्ट कनेक्ट बनाऊँ। डेफिनेटली युवाओं में इसका एक अलग क्रेज़ बनता है, युवा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसको देख के। और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल वे ऑफ कैंपेनिंग मैंने नहीं आजमाया। मैं मन से बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बातें भी नहीं बोलता हूँ, जो बातें मेरे को ठीक लगती हैं वैसी ही बातें बोलता हूँ। जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं ये सारी बातें बोलता हूँ। जातीयता पे आधारित मैं अपने चुनाव को नहीं बनाता हूँ, सांप्रदायिकता पे आधारित अपने चुनाव को नहीं बनाता हूँ। जो चीज़ें मुझे इफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरी उम्र का हर बिहारी वही सोचता होगा, तो बस वही एक कनेक्ट बनाने की कोशिश है। हमने देखा कि आप अपने भाई के लिए ही प्रचार करने गए थे, हालांकि ये सब चीजें भी जब हमने दिल्ली में आपसे बात की थी तो आप कह रहे थे कि परिवारवाद से आप पार्टी को थोड़ा बाहर निकालना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल कोई लोग पूछते हैं? नहीं, डेफिनेटली मैंने हमेशा इस बात को बहुत ऑनेस्टली मैंने कबूला कि मैं खुद परिवारवाद या वंशवाद का मैं पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, मैं खुद भले उसी सिस्टम का आउटकम हूँ, बट मैं इस सिस्टम को बदलना चाहता हूँ और मैं एक ईमानदार कोशिश भी कर रहा हूँ। साथ में मेरा मानना ये भी ज़रूर रहा है कि जस्ट बिकॉज कि आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, सिर्फ ये कारण होना चाहिए कि आपको रोका जाए, भले आपके अंदर कितनी क्षमता क्यों ना हो। अब मैं इस बात को भी नकारता हूँ, अगर पोटेंशियल है, काबिलियत है आप में, आप आइए, अपने आप को प्रूव कीजिए। पब्लिक डोमेन में हम खड़े हैं, पब्लिक आपके भविष्य का निर्णय लेगी। मेरा मानना रहा है कि एक बड़े राजनीतिक परिवार से आना आपका सौभाग्य हो सकता है पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है बट चुनाव जीतने के लिए आपके अंदर काबिलियत का होना जरूरी है। मेरे भाई चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जनता के साथ जुड़ने की प्रिंस एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी में आ रहा है वो इस कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत पे प्रिंस ये चुनाव जीतेगा, किस परिवार से आता है इस वजह से नहीं। अब हम परिवारवाद की बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे और भी लोग मैदान में हैं, लालू यादव खुद नहीं है लेकिन दोनों बेटों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं, थोड़ी नोकझोंक भी, बयानबाजी की आप लोगों के बीच में हुई थी,
आपको लगता है कि ये जो मुद्दे इस तरह के उठ रहे हैं, जो बयानबाजी हो रही है, उसकी कहीं ना कहीं जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और खासतौर पर हमारे जैसे बिहार प्रदेश के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमारे प्रदेश में अपनी और बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और हिमाजी, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, बिहार दिल्ली बम्बई जैसा शहर नहीं है। जहां हम दिल्ली बम्बई में हम लोग अब बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, मेट्रो के विस्तार की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, हमारे बिहार में आज भी सड़क बिजली पानी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तो जब आपके प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पर और कोई मुद्दा बनना चाहिए। ना जातीयता, ना सांप्रदायिकता, ना व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, यहाँ पर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए। लेकिन आपके परिवार पर आरोप लगाए, पर्सनल कटाक्ष किए तेजस्वी ने किए, और उनके पिताजी लालू यादव लगातार फैमिली पर हमला बोल रहे हैं, उनका जवाब तो आपने भी दिया। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा दुखी हुआ। ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ, उनके पुत्रों के उम्र को लेकर एक विवाद था, लगातार मुझसे पूछा जा रहा था, और मैंने इसको बहुत ही लाइटली एक गुड ह्यूमर में मैंने इस पर एक टिप्पणी की थी। मैं दोनों को ईमानदारी से अपना छोटा भाई मानता हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि मुझसे तो दोनों उम्र में छोटे ही हैं। एक पारिवारिक संबंध रहे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग है, बट एक व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, इसीलिए मैं दोनों को अपना छोटा भाई मानता था। उस दिन मैंने जरूर ये टिप्पणी की थी कि अब मैं खुद ही कन्फ्यूज हूँ कि मेरे छोटे भाइयों में से सबसे छोटा भाई कौन सा है। ये गुड ह्यूमर में बोली हुई एक बात थी, बट इसका इतना व्यक्तिगत और इतना निजी और इस स्तर पर गिरी हुई एक टिप्पणी आएगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। बहरहाल, मैं समझता हूँ कि तेजस्वी उम्र में अभी बहुत छोटे हैं, वो पारिवारिक पेचीदगियों को अभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, वो रिश्तों को समझना और निभाना सीख जाएंगे। आपने भी फिर ये पूछ कहा कि लालू यादव जब अपने बेटों को पढ़ा नहीं पाए तो वो इस राज्य के एजुकेशन के लिए क्या कर। नहीं, ये मेरे लिए चिंता का कारण है, इसको मैंने लाइटली नहीं बोला था। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। हम लोगों ने लालू जी का 15 साल का शासन भी देखा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट रही है, और इतनी चौपट रही है कि वो आज तक कभी नहीं उठ पाई। बिहार का हम लोग का एक स्वर्णीय इतिहास रहा है। यहाँ पर आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, तक्षशिला की आप बात करें, हम लोग एजुकेशनली हम लोग बहुत साउंड और बहुत ग्लोरीफाइड हम लोग का इतिहास रहा है बिहारियों का। वहाँ पर आप पिछले 25 सालों में आप देखें, साल दर साल शिक्षा में के स्तर में गिरावट आई है। तो मेरे लिए चिंता का विषय रहा कि जब लालू जी अपने पुत्रों को ही नहीं पढ़ा पाए, तो वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं पूरे प्रदेश भर के मेरे और युवा भाइयों की, उनकी पढ़ाई की वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर वो चिंता व्यक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बातों में एक विरोधाभास दिखता है। आपको क्या लगता है कि आप युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, विकास के मुद्दे उठा रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ बहुत आ रही है, लेकिन जिस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल पीएम ने भी किया लालू यादव के लिए, शैतान बोला, जिसको लेकर लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने एक बड़ा इसको बवाल का मुद्दा बना लिया है, इस तरह के बातों पर क्या? देखिए, शैतान हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, लालू जी ने खुद ही बोला। उन्होंने गौ मास को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, और उस पर उन्होंने खुद ही बाद में आके उसको स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जीप पे शैतान सवार हो गया था। उन्होंने खुद ही अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। बहरहाल, जब लालू जी नीतीश जी इन सारी बातों को मुद्दा बनाते हैं, कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके पास खुद के पास विश्वसनीयता का कितना अभाव है अपने विकास के कार्यों को लेकर। उन्हें पता है कि उन्होंने पिछले 25 सालों में कुछ ऐसा नहीं किया जो जनता के बीच वो गिनाते हुए जाए, इसीलिए कभी वो डीएनए को मुद्दा बनाते हैं, कभी भूमि अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाते हैं, कभी रिजर्वेशन को मुद्दा बनाते हैं, कभी गौमांस को मुद्दा बनाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के किए गए व्यक्तिगत एक पॉलिटिकल टिप्पणी को वो मुद्दा बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग मुद्दा ढूंढते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए कि कहीं जनता विकास की राह पर ना चले। बॉलीवुड से आपने शुरुआत की थी, जहां पर रिहर्सल और रीटेक बहुत होते हैं, लेकिन राजनीति में कोई रिहर्सल कोई रीटेक नहीं होते, स्क्रिप्ट नहीं होती, लेकिन कुछ आप याद करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं कि क्या आपको बोलना है, किस सभा में किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, क्या कुछ टिप्स तैयार करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जैसा कहा, मैं कई बार मन से बोलते हुए या इवन इंटरव्यूज में मैं बहुत कैंडिड हो जाता हूँ, और जो मेरे दिल में होता है वही मैं बोलता हूँ। पीछे भी मैंने कुछ एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी, जैसे परिवार को ही लेकर मैंने खुल के बोल दिया था कि मैं नहीं सहज फील करता हूँ कि परिवार के लोगों को एक्स्ट्रा प्रमोट किया जाए, जिनमें क्षमता है वो आए, बट एक्स्ट्रा पुश नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी बातें मैं कभी कभी बोल देता हूँ, इसीलिए मैं कभी सोची समझी रणनीति के तहत
या किसी स्क्रिप्ट के तहत मैंने आज तक अभी भाषण नहीं दिया, और मैं इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद अपने पिताजी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी को देना चाहूँगा। फुल लिबर्टी दी उन्होंने, उन्होंने मुझे कभी बैठ के कुछ समझाया नहीं कि देखो ये बातें हैं, ये नीतियाँ हैं, ऐसे बोलना है, ऐसे कहना है, ये समझना, कभी नहीं। उन्होंने शुरू से मुझे फ्री हैंड दिया, जो तुम्हें ठीक लगता है हमारे प्रदेश और हमारे देश के भविष्य के लिए, वो निर्णय लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। और उसी के आधार पर मैं अपने भाषण देता गया। आज डेढ़ साल में अगर जनता के बीच में एक पकड़ बना पाया हूँ, आज डेढ़ साल में अगर मैं इतना सक्षम हो पाया हूँ कि सिर्फ चिराग पासवान के नाम पर अकेले सभाएं प्रदेश के किसी भी जिला में हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी ईमानदार बातों को मैं जनता के बीच पहुंचा पाया हूँ। अंतिम सवाल है चिराग, कि आपने खुद कहा कि लालू यादव के दोनों बेटों को आप छोटे भाई की तरह देखते हैं, पहली बार वो आ रहे हैं चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में कूदे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उन दोनों के लिए? दीमा जी, दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा दोनों। टिप्स देंगे आप? नहीं, कोई टिप्स नहीं दूंगा। मुझे लगता है हर व्यक्ति सक्षम है, इतनी बुद्धि हर व्यक्ति में होती है कि अपना भला बुरा वो व्यक्ति सोच सकता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरे दोनों छोटे भाइयों के लिए, अच्छा करें, राजनीतिक भविष्य की शुरुआत कर रहे हैं, दूर तक जाएं, अच्छा करें, पर जो भी करें ईमानदारी से करें, दिल से करें, और प्रदेश और देश के हित में करें। इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी आएगी, अभी थोड़ा सा बचपना मैं समझ रहा हूँ, छोटे भाई हैं, मैं दिल पे नहीं लेता उनकी बातों को, मुझे लगता है उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी आएगी, गंभीरता से बातें करेंगे। शुक्रिया। तो चिराग पासवान के साथ चुनावी यात्रा हमारी जारी है, लेकिन इस वक्त जो हमने तमाम बातें की उससे लग रहा है कि बहुत कम समय में राजनीति के जो गुर है वो उन्होंने सीख लिए हैं, और जवाब भी उनके कहीं ना कहीं उसी एक आईने को सामने रख रहे हैं। भावुक गवाह भी है, पहली बार अपने चाचा जी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, आज आप लोगों के बीच आया हूँ, अपने परिवार वालों के बीच आया हूँ अपनी बातों को रखने के लिए। चाहूंगा कि जितना प्रेम और स्नेह आप आज दे रहे हैं, ये प्रेम स्नेह अपना आशीर्वाद निरंतर लगातार मुझे देते रहे, इस बात का विश्वास भी है। ये बात अपने आप में दिलचस्प जरूर है कि रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान की दिली तमन्ना तो यही है कि वो आने वाले दिनों में परिवारवाद को ही खत्म करना चाहते हैं। हालांकि प्रचार करने के लिए वो जरूर पहुंचे अपने चाचा के लिए और अपने भाई के लिए। ट्रेडिशनल सीट जो कि एनजेपी की मानी जाती है, वहां पर भीड़ बहुत मौजूद रही। चिराग पासवान के हर जुमले हर बात पर तालियां भी खूब बजी और लोगों ने उनका साथ भी दिया। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना हमेशा से मुश्किल रहा है कि आखिर इस भीड़ में से कितने वो हाथ रहेंगे जो कि इनके पक्ष में बटन दबाएंगे, यानी वोट कितने इनके फेवर में जाएंगे, और आखिर इस भीड़ के मन में क्या वाकई एनडीए के लिए, चिराग पासवान के लिए और एलजेपी के लिए ही प्यार बसा हुआ है, या फिर इस भीड़ की सोच कुछ अलग है और ये तालियां सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को देखने के लिए बज रही है और उनके जुमलों पर बज रही है। चिराग पासवान की जीत होगी, रामविलास पासवान की जीत होगी। मुझे तो नेता भी पसंद है और फिल्म एक्टर पर उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए वो मुझे पसंद है। सूरज ढल रहा है और सूरज ढलते ढलते चिराग पासवान ने चार चुनावी रैलियों को संबोधित किया। हालांकि बिहार की इस चुनावी राजनीति में इस बार किसका सूरज उदय होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि चिराग पासवान बिहार की उस 60% से ज्यादा युवा वोटरों की नब्ज को टटोलने की और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका एक एक वोट हर किसी पार्टी के लिए बहुत अहम है। लेकिन सवाल जरूर ये खड़ा होता है कि क्या अब तक टिकट बंटवारे से लेकर अपनी राजनीति के इर्द गिर्द दलित कार्ड खेलने का आरोप झेलती रही लोक जनशक्ति पार्टी को चिराग पासवान इस बार इस आरोप से बाहर निकाल पाएंगे? कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पराशर, आज तक।